शानदार शानदार शानदार। आज सुबह से बारिश हो रही है। इसके बाद कहाँ बने आता सही से। ओ पीछे से दिखाओ, पीछे से दिखाओ, ये वी बना दिया है ऐसे। खुश गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बाय बाय यार। हमने पूरी गाड़ी ना डस्टबिन बना रखी है। गाड़ी इसलिए डस्टबिन बना रखी है ताकि रोड डस्टबिन ना हो। याद है ना मेरी गाड़ी का टायर फट गया था भोपाल आते हुए, और हम फिर से भोपाल आ गए हैं, और अपोलो वाले ना हमको एक फ्री टायर दे रहे हैं। व्हील अलाइनमेंट कर रहे हैं और हमारा काम खत्म। आगे के दोनों टायर नए हो गए हैं, तो जो आगे की जर्नी होगी उसमें हमें मदद मिलेगी। यार इसमें ना SDR है, लेकिन इसमें चेहरा काला सा दिखता है, पता नहीं क्या कारण है। यहाँ क्या हो रहा है भाई, इतनी भीड़ काहे के लिए है? नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है? ओ अच्छा 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 अच्छा, OBC महासभा, इनको भी समझ आ रहा है कि कौन हक मार रहा है इनका। क्या बात है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। को है ना वो चाहिए एक पट्टा, ताकि ब्रुजो को लेके जाना है, और गाड़ी में कैसे बैठा के लेके जाएंगे उसके लिए। ये टूटेगा नहीं टूटेगा, ये कितने का है? हमारा वो है ना लेबर जरूर है, लेकिन बहुत अजीब करीब लेबर हो रहा है, वो तोड़ देता है वो। तो ये देख रहे हो, ये ले लिया है, और साथ में कुछ और चीजें ली हैं। जब तो गाड़ी में बिठा के ले जाएंगे ना, तो उसको बहुत संभालना पड़ेगा और कोई दिक्कत ना आ जाए, इसलिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये सारा सामान लेना। तो क्या बोला फिर, तो बोलना करो इस मार्केट को यार। और क्या है, ये मेरा छोटा भाई है, और है ना इसने मेरी गाड़ी अभी सही करी थी, और बहुत मस्त चली, बहुत मस्त चली। बस मैंने गड्ढे में कुछ ज्यादा पटक दी है, तो एक बार और देख ले। अगर आप लोगों को आना है ना, तो ये भोपाल में ये एड्रेस है, और ये नंबर, यही नंबर है ना, ये नंबर है। गाड़ी बहुत सही ठीक करता है ये सारा। कार एसी का काम भी हो जाएगा, कार स्कैनिंग भी करानी है आपको, स्कैनिंग भी हो जाएगी, इंजन भी बन जाएगा, सारा काम अपने। अच्छा अच्छा, देख लो भाई आ जाना ना। हमारी गाड़ी डली हुई है सही होने के लिए, और हमें मिल गया सब यहाँ भी। और सामने का सीन आपको ड्रोन से दिखाएं क्या? दिखाऊं दिखाऊं दिखाऊं। शानदार शानदार शानदार। तो आज जो है ब्रुजो की हालत थोड़ी ठीक नजर आ रही है। बैठ, सेट 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 ब्रुजो, सेट 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 सेट, बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठो 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 बैठो, पैर दिखाओ अपना, पैर दिखाओ। तो ये अभी इतनी ज्यादा मस्ती कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अब इसको पैर में आराम है। मतलब ये अच्छे अच्छे बड़े बड़े डॉगी को डरा देता है ये। कल चल रहे हैं अपन, ठीक है, कल चलेंगे। और आज है ना हमारा और सुमित का प्लान था सांची जाने का, लेकिन वो कैंसिल हो गया। बारिश भी हो रही थी यहाँ पर, टाइम लग गया मेरे को अपने काम खत्म करने में, और इस वजह से जा नहीं पाए हम लोग। और ये कौन है सुमित? ये मेरा फ्रेंड ही है, उसका नाम आत्मा राम श्याम है। अच्छा। बहुत अच्छी गोंडी आर्ट बनाता है, जो आदिवासी आर्ट होते हैं अपने हाथ से बनाता है, और बस दिखाएगा आपको, तो आप देख जाओगे कितना अच्छा बनाते हैं। क्या बात, क्या तारीफ करो। अच्छा, तो कैसे सीखी आपने ये? ये मेरे फैमिली से पहले से ही, मेरे जो बड़े पापा जी थे उन्होंने इस पेंटिंग की शुरुआत की थी। सुमित ने बताया था कि उनका फ्रेंड है और वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है, और मुझे लगता था कि हमें थोड़ा प्रमोट करना चाहिए, तो मैं चलो बुलाओ देखते हैं कैसी है पेंटिंग। बड़े पापा है वो जापान में थे, और ये इनके जो परिवार है बहुत फेमस है। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अच्छा, जापान में? जापान में फेमस है, इनके बड़े पापा की डेथ भी हुई थी। बहुत फेमस परिवार है ये मध्य प्रदेश का।
भैया ये अपने हाथ से बनाया पूरा से बनाया सब कुछ यार ऐसा लग रहा है प्रिंटर से प्रिंट निकाला है क्या बात है यार इन आर्ट्स को क्या बोलते हैं ट्राइबल आर्ट गोंड पेंटिंग बोलते हैं गोंड पेंटिंग ट्राइबल आर्ट बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है यार ये तो मतलब एक कुछ अल्टीमेट सी कुछ चीज दिखने को मिल रही है और ये जो इनका परिवार जैसे ना इनका एक गांव है क्या नाम है इसका पाटनगढ़ डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में वो गांव पूरे वर्ल्ड में फेमस है मतलब वहाँ पर हर एक घर में एक ऐसा पेंटर है जो यूनिक पेंटिंग बनाता है जैसे कि ये जो पेंटिंग बनी है वो नहीं बना सकता अच्छा ऐसा कुछ भी है क्या ये मतलब इनकी खुद की कला है इनकी जैसे इसका जो घर है ना वही पेंटिंग बनाएगा कोई दूसरा घर भी नहीं बना सकता ऐसा ही है ना अच्छा अगर मैं कोई बोला हूँ अगर आप वो बना दें ड्राइंग उस तरह की कुछ इसी से मिक्स जैसे अगर कोई ऐसा जैसे आप बनवाना चाहें कि हम कोई इस तरीके से बनवाएं जैसे मैं बुद्धा की बनवाना चाहूं जी तो ये अपने जो ट्राइबल कल्चर है जो ये अपनी आर्ट है वो उसी फॉर्मेट में उसी फॉर्मेट में हाँ उसी फॉर्मेट में ही बोल रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी यूनिकनेस है इसके अंदर मतलब कुछ तो भी है इसमें अट्रैक्टिव है और कुछ डिफरेंट है जानवर वगैरह हैं वो शायद बाहर निकले हैं चिड़िया हैं वो कुछ खा रही हैं सूरज है मतलब इन पिक्चर इस पिक्चर में एक मैसेज है कि ये आइडिया आता कैसे है ये एक्चुअली में ये जो पेंटिंग हम बनाते हैं जो हमारी कल्चर है हमारी जो संस्कृति है और जो किस्सा कहानियां पहले चलती थी जो पूर्वज चलाते थे जो हमें बताते थे दादा दादी लोग कि कैसे किस्साएँ होती थी कैसे कहानियाँ होती थी कैसी स्टोरी होती थी और उस समय का जो कल्चर था कैसा था रहन सहन उनके पहनावा ओढ़ावा और खान पीन किस तरीके से हमारी संस्कृति थी और हम किस तरीके से रहते थे तो और जो हमारा जो ये नेचर है नेचर के ऊपर भी बेस्ड है अच्छा आपका मोबाइल नंबर बताओ ज़रा क्या है 6262885254 ये देखो ये जो है ना इनने गाड़ी ठीक करी है हमारी और है ना इंजन क्या टूट गया था इंजन माउंट इंजन ही गिर गया था गिरने ही वाला था अब वो क्या इतना गड्ढों में पटकी ना तो बताओ यार इंजन ही गिरने वाला था नहीं उम्र हो गई थी उसकी बहुत साल हो गए इसलिए चल ठीक है बड्डू जा रहा हूँ मैं ठीक है बाय बाय तो आज का वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ और कल है ना मुझे ब्रूजो को ग्वालियर लेके जाना है तो सच में बहुत कठिन होने वाला है और मुझे लगता है आफत आएगी कीप सपोर्टिंग